सीतापुर में बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको पुलिस अब सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस ने दो लोगों को एक महिला के साथ हिरासत में लिया है। पुलिस अब तीनों से पूछताछ कर रही है। मामला सिधौली पुलिस से जुड़ा हुआ है। यहां पुलिस अधिकारी महिला से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने महिला के पति और एक शख्स को भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। पकड़े गए शख्स ने पुलिस को बताया कि महिला के पति ने अपनी पत्नी को 25,000 में मेरे भाई को बेच दिया है, लेकिन पति का कहना है कि शख्स झूठ बोल रहा है, मैंने कोई खरीद फरोख्त नहीं की। इसने मेरी पत्नी को बहला फुसला कर अपने पास रोका हुआ और अब उसको आने नहीं दे रहा। फिलहाल पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर उसको अपने पति के साथ जाने दिया है। तीसरे शख्स को पुलिस ने कोतवाली में बैठा लिया, पूछताछ की जा रही है। सभी का पुलिस ने वीडियोग्राफी भी करा ली है। अभी पुलिस की जांच बंद नहीं हुई है। कहानी में ट्विस्ट आ सकता है और कोई नया खुलासा भी हो सकता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मामला क्या है। पूरी बात बताइए, शुरुआत से क्या हुआ? शुरुआत से बात यह है कि हमें लड़की का लगभग 2 साल से फंसाया रहा, साथ नाजायज संबंध बनाया रहा। कौन? निजामुद्दीन, बाप का नाम है सलाहू, हमारे गांव के। इसका शादी का झांसा देकर फंसाया रहा। कहा फंसाए रहे, जब ये कहना हमसे चाहें तो ये कहें, वो कहें कि कहो ना, हम उनसे शादी कर ले रहे। बात ऐसे चल रहे। उसके बाद वो दूसरी जगह चौराहे कहाँ शादी के लिए, तब ये हमसे बताए तो हम थाना सदरपुर गए, दरख्वास्त दिया हुआ, हमका नवा मुकदमा दर्ज किया जाए। हमका 4-5 दिन ऐसा साहब जहाँ से हम अटकाए रहे, नवा मुकदमा आज लिखा दी, कल लिखा दी। उसके बाद उल्टे खुद हमारे दबाव बनाना शुरू कर दिए, हमसे कहीं नहीं जमा कुछ आए हो सकते हैं और ये है वो है और लाख से लाख रुपया दो तो तुमको हम दिलाए। हम चले आए, उसके बाद हम आए सीता, तो हम कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए, लेकिन 3 दिन आज भी हो गए हैं, 4 दिन अभी कोई कार्रवाई होने बारे में नायब है। अब हम लोगों को अगर ऐसा ही न्याय मिली तो बताओ कहाँ गए। आपकी एप्लीकेशन में लिखा है कि आपके लड़के के साथ गलत काम भी किया। हाँ, काम भी किया। कैसे पता चला आपको? लड़की हमारे बताई थी। क्या बताया? हाँ, कि हमारे साथ नाजायज संबंध बनाए रहे, शादी के झांसा दे के हमारे साथ बार बार बलात्कार करती है, लेकिन हमसे कहीं अपने बाप माता से न बताया, हम तुम्हारे संग शादी कर जाए। आपका नाम? हमारा नाम कल्यूम है। शुरुआत से बताओ। हमारे गांव में धर्मपुर में एक लड़का रहता था निजामुद्दीन खान, हमारे घर के सामने। उस हम दोनों की संपर्क 2 साल से थी। उसने कहा तुमसे शादी कर लेंगे, हमने कहा ठीक है कर लेंगे। हमने कहा अपने माँ बाप से बताए, उसने कहा अपने माँ बाप से मत बताना, खुद की मौत से। हमने कहा ठीक है। उसने बाहर रहा, उसके मामा ने बाहर से बुलाकर चोरी से शादी कर ली बुधनापुर से। अब हमने जान पाया तो अपने माँ बाप से बताया, तो हमारे माँ बाप सदरपुर थाना में बिल्कुल सुन डाली। तो उसने कहा ठीक है तुम्हारा मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो 4 दिन बताते रहे, फिर भी गए। उसने कहा आज तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ करना है तो कुछ कर लो, बताओ तो 2 लाख रुपया दिला दे। किसने कहा 2 लाख दिला दे? लड़के से कोई संपर्क हुआ तुम्हारा, बातचीत हुई? पहले हुई थी। अब क्या कहा उसने? वो तो कहा था कि शादी कर लेंगे, फिर भी नहीं करी। फिर भी उसके माँ बाप धमकी देकर शादी कर दी। तुमसे गलत काम भी किया उसने? हम बात करते थे तब मिलने के लिए बुलाते थे, तो हमारे सामने गलत काम कर, तुम्हारे साथ में। हाँ। कितनी बार? एक बार। तुम्हारा नाम? मामला भी है, घटना बता। मामला यह है कि ये जो कयूम है, कयूम की बेटी है सादिया खातून। सादिया खातून का सादिया खातून को उसी के गांव का निजामू है, वो बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार 2 साल से बलात्कार करता रहे। जब भी उसने अपने घर वालों से कहा, रिश्ता लेकर के गए तो कहा आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, वो टाइम पे टाइम लेते रहे, जिसकी शिकायत थाना सदरपुर में भी कयूम ने किया। 2 दिन तक थाना सदरपुर की पुलिस ने इनको बैठा ले रखा और बुलाया कि आ जाइए कल आइए, आ जाइए कल आइए, इस तरीके से। वो जो निजामू है वो दबंग आदमी है, उससे पैसे लेकर के जैसा कि जानकारी में आया है FIR दर्ज नहीं कराई गई। तब 10 तारीख को ये
मेरे पास आई तो मैंने इसको पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर के समक्ष भेजा था कि आप अपनी फरियाद पहले एसपी सीतापुर के सामने दीजिए, उसके बाद कोर्ट में कोई कार्रवाई होगी। 10 तारीख को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद, जबकि बाई डाक प्रार्थना पत्र एसपी का जाता है, फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इसको बुला करके कोई बयान दर्ज कराया गया। जबकि पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामला है, महिलाओं के संबंध में वैसे भी हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण में बहुत आगे है, लेकिन इस मामले में पूरी तरीके से निष्ठुर बनी हुई है हमारी पुलिस, निष्ठुर बनी हुई जो कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसको न्याय दिलाया जाना हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि इसको न्याय मिले। आपका नाम? अतीक खान।